हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे स्प्राउटेड मूंग करी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगता है, और ये स्प्राउटेड है इसलिए ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है। तो चलिए आप फटाफट स्प्राउटेड मूंग करी बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अंकुरित किया हुआ मूंग लिया है 1.5 कप। तो इसे मैंने घर में ही अंकुरित किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप मूंग लिया था, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। उसके अगले दिन यहाँ पे मैंने इसका पूरा पानी निकाल के इसे एक कॉटन के कपड़े में अच्छे से बांध के रख दिया था 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा अंकुरित हो चुका है। तो आप चाहे तो यहाँ पे रेडीमेड स्प्राउटेड मूंग भी ले सकते हैं, वो इजिली अवेलेबल होता है मार्केट्स में। तो यहाँ पे मैंने एक कुट्टन लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लहसुन अगर थोड़ा सा दरदरा कूटते हैं तो इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे इस तरीके से दरदरा ही कूटे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दरदरा कूट लिया है लहसुन को। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब हम इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच तेल, और तेल को भी अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच राई, और उसी के साथ डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इन दोनों को फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ता, और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। इन सबको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 2 से 4 मिनट तक, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक प्याज जो है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो यहाँ पे हमें प्याज को बारीक ही काट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं दरदरा कुटा हुआ लहसुन। लहसुन डालने के बाद भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दरदरा कुटा हुआ अगर लहसुन यहाँ पे आप यूज करते हैं तो इसका फ्लेवर और स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और तो ये देखिए, यहाँ पे जो प्याज दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है। तो इसी स्टेज पे हम डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं अंकुरित किया हुआ मूंग। तो यहाँ पे हमें ये पूरा अंकुरित किया हुआ मूंग को अच्छे से डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरे अंकुरित किया हुआ मूंग को अच्छे से डाल दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे ये मूंग और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। जब भी हम इस तरीके से इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हैं ना, तो इसका तरी में एकदम बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है और सारे फ्लेवर अच्छे से मूंग में भी उतर जाते हैं। तो मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि मूंग डालने के बाद इसे कम से कम हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे जो तरी बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 ग्लास पानी, या फिर आपको इतना पानी डालना है कि जितना आपको तरी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े ग्लास इतना पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक ही पका लेना है, या फिर हाई फ्लेम पे आप 2 सीटी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे आपको इसे पकाना नहीं है। जब तक यहाँ पे ये मूंग पकता है तब तक हम चलते हैं गावरन मसाला बनाने के प्रोसेस में। मसाला पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर, और साथ में लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप धनिया पत्ता। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें डंडे को भी लेना है, इसका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच सूखा नारियल लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच अदरक, और 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे रफली चॉप कर दिया है। तो अब चलते हैं मसाला पेस्ट बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे पैन अच्छे से गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक प्याज जो है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे, या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं ड्राई कोकोनट, यानी सूखा नारियल डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह बुरादा का भी यूज कर सकते हैं।
तो इसे भी हम एक मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो सूखा नारियल फ्राई करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो हम इसे इतना ही फ्राई कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें बाकी और चीजें डाल देना है, तो उसके साथ भी ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और यहाँ पे ये प्याज और नारियल भी एकदम ब्राउन कलर हो चुका है। तो हमें इतना ही इसे फ्राई कर लेना है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियां और साथ में ही डाल देते हैं 2 इंच अदरक और इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। अब और ये जो टमाटर है इसे हम बाद में यूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इन सबका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए और हमारा मसाला जो पेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और यहाँ पे ये जो मसाला इसका पूरा कच्चापन भी निकल चुका है और यहाँ पे ये सारे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसका वा भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो हम यहाँ पे सावधानी से प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारी ये मूव अच्छे से बनके तैयार है और यहाँ पे मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मूव है एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और सॉफ्ट भी बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तरी है यानी ये जो पानी है ये सूप बन चुका है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही साथ ये टेस्टी भी होता है। तो अब चलते हैं मसाला पेस्ट बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इस जार में हम डाल देते हैं प्याज लहसुन अदरक और नारियल का मसाला। तो यहाँ पे मैंने ये भुना हुआ मसाला डाल दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कच्चा टमाटर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर को भी अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि टमाटर में पानी होता है। अगर यहाँ पे ये मसाला अच्छे से पीस नहीं रहा तो आप यहाँ पे 2 से 4 चम्मच इतना पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला पेस्ट है दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है और यहाँ पे इसका सुगंध भी बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सेम पैन लिया है, पैन को अच्छे से गरम कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे पैन गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं और यहाँ पे हमें लो फ्लेम कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे मसाला पेस्ट डाल देते हैं जो हमने प्याज टमाटर अदरक और लहसुन का बनाकर रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा मसाला डाल दिया है। तो हम यहाँ पे अगर लो फ्लेम लगते हैं तो इसके छींटे नहीं उड़ते हैं, नहीं तो तेल में डालने के बाद इसके छींटे उड़ने लगते हैं। तो इसे हमें लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे यहाँ पे ये मसाला तेल में अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है या फिर तब तक भूने जब तक इसमें से तेल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके किनारे से भी तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे ये मसाला अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हमने मसाले को पहले ही थोड़ा सा भून लिया था तो यहाँ पे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले एकदम परफेक्टली भून चुका है। तो अब इस पे हम डाल देते हैं सूखे मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक काला मसाला है। अगर आपके पास यहाँ पे गोड़ा मसाला है या फिर कांदा लहसुन मसाला है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस मसाले को भी 1.5 चम्मच डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने काला मसाला का यूज किया है और साथ में ही डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाला पेस्ट के साथ। तो हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा मसाला पेस्ट दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया दिखने लगा है और इसके किनारे से भी तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डाल देते हैं स्प्राउटेड मूंग जो हमने अभी पका कर रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये सारा पका हुआ मूंग को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा तरी आ चुका है यानी इसके ऊपर कितना बढ़िया सा ग्रेवी आ चुका है। तो आप यहाँ पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पतला रख दिया है तो आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है। याद रहे कि मूंग पकते समय भी हम नमक का यूज किया था तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे हाफ कवर करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पका लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और इसके ऊपर कितना बढ़िया सा तेल आ चुका है, यानी इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कट आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मूंग को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूंग पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी स्प्राउटेड मूंग करी बन के तैयार है और इसके ऊपर भी बढ़िया सा कलर आ चुका है और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा पतला रखते हैं तो आप इसे राइस, पूरी, नान, चपाती सबके साथ खा सकते हैं, ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मूंग है वो परफेक्टली कुक हो चुका है और एकदम सॉफ्ट भी बन चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये सुपर टेस्टी एंड हेल्दी स्प्राउटेड मूंग करी बन के तैयार है और इसके ऊपर भी तेल आप देख सकते ना कि कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इतना धनिया पत्ता को डाल दिया है। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धनिया पत्ता से खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऊपर से भी थोड़ा डाल दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी ये सुपर टेस्टी स्प्राउटेड मूंग करी बनके तैयार है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं टेस्टी स्प्राउटेड मूंग करी। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। आप चाहे तो यहाँ पे इसका सूप अलग निकाल के बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है और मसाला पेस्ट बनने के बाद इसे अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि झटपट से बनने वाली यहाँ पे ये रेसिपी है। तो यहाँ पे आप इसे राइस, पूरी, नान, चपाती के साथ सबके साथ खा सकते हैं, ये सबके साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम रख देते हैं धनिया पत्ता ताकि दिखने में हमारी ये टेस्टी करी और भी टेस्टी दिखे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये सिंपल एंड टेस्टी स्प्राउटेड मूंग करी बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।